किसी वस्तु को स्पर्श करूंगा और वो संक्रमित हो जाएगी। हा, मैं कोरोना। हमने ना उस वस्तु को स्पर्श कर लिया है और वो संक्रमित हो चुका है। हमने किसी कोई व्यक्ति इस वस्तु को स्पर्श करेगा और वो संक्रमित हो जाएगा। हा, मैं कोरोना। अब वो व्यक्ति इस वस्तु को स्पर्श करेगा और वो संक्रमित हो जाएगा। मैं कोरोना। अगले व्यक्ति ने इस वस्तु को स्पर्श कर लिया है और वो संक्रमित हो चुका है। मैं कोरोना। अगले व्यक्ति अपने मित्र के पास जाएगा और उससे हाथ मिलाएगा और वो संक्रमित हो जाएगा। मैं कोरोना। अरे ये क्या, इन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया? इन्हें हाथ मिलाना चाहिए था। ऐसे में तुम्हें अपना संक्रमण कभी नहीं फैला सकूंगा। इन्हें अपनी जानकारी कौन दे रहा है? नगर पालिका परिषद पीतमपुर की संयोग संस्था टीम दिवाली द्वारा तो नहीं दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं दूसरा उपाय करता हूँ। अब मैं दूसरे व्यक्ति के पास जाऊंगा और उसके पास जाकर छींकूंगा और वो संक्रमित हो जाएगा। मैं कोरोना। अरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा। अरे ये क्या, इन्होंने मास्क क्यों पहना? इन्हें मास्क नहीं पहनना चाहिए था। ऐसे में तुम्हें अपना संक्रमण कभी नहीं फैला पाऊंगा। अपने मनसून में कभी नहीं पहनू, कभी नहीं कामयाब हो पाऊंगा। कोई बात नहीं, अब मैं तीसरा उपाय करता हूँ। अब मैं तीसरे व्यक्ति के पास जाता हूँ और फिर से हाथ मिलाता हूँ। जरूर वो हाथ मिला लेगा। अब ये व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के पास जा रहा है और उससे हाथ मिलाएगा। अरे ये क्या, इन्होंने दस्ताने क्यों पहन रखे? इन्हें दस्ताने नहीं पहनना चाहिए था। ऐसे तो मेरा खात्मा हो जाएगा। मैं वार्ड नंबर 2 के रहवासियों को संक्रमित कभी नहीं कर पाऊंगा। ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर गया। धन्यवाद आप सभी का थोड़ी देर के लिए अपने कीमती समय देने के लिए। हमारा यही संदेश है, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जब भी सार्वजनिक स्थान पर जाए तो मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करें, समय समय पर साबुन से हाथ धोएं, आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें। धन्यवाद आप सभी का थोड़ी देर के लिए कीमती समय। जल्दी खींचो, पब्लिक चले।